प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बदल रहा है। पीएम मोदी के वाराणसी गंगा किनारे मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम है खिरकिया घाट, जो पर्यटकों का नया ठिकाना होगा। जो करीब 36 करोड़ की लागत से बने जा रहा है, 11.5 एकड़ में विकसित होने वाला एक खिरकिया घाट नया केंद्र होगा, जो जल थल और नभ तीनों से जुड़ा हुआ होगा। यहां पर घाट तक एयरपोर्ट और स्टेशन से भी पहुंचना बेहद आसान होगा। पर्यटकों की गाड़ियां भी घाट तक पहुंच जाएंगी और क्या कुछ होगा इस घाट पर खास, सीधा अपने संवाददाता से हम जानेंगे, नीतीश पांडे। इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, घाट घाट का मॉडल क्या क्या खासियत होंगी, कब तक बनकर तैयार होगा, जो जो जानकारी आपके पास है गंगा एबीपी गंगा के दर्शकों को बताएं। राजीव, अब तक जो भी लोग बनारस आते थे वो या तो 80 घाट जाते थे या तो फिर दशाश्वमेध घाट और अन्य घाटों की सैर घाट से घाट करते थे, लेकिन खिड़किया घाट को पर्यटकों के लिए मॉडल घाट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर पार्किंग होगी, रेस्टोरेंट होंगे और इसके साथ ही पर्यटकों के लिहाज से विशेष तरह की व्यवस्था की जाएगी। घाट पर गैलरी बनाई जाएगी जो कि बनारस की पहचान को दिखाई जाएगी और इसके साथ ही यहाँ पर जो नौका भी होंगी वो भी CNG वाली होंगी। तो पूरी तरह से यहाँ पर मॉडल के तौर पे विकसित किया जा रहा है। जिस तरह से बता रहे हैं आपको, 36 करोड़ की लागत से ये घाट विकसित किया जा रहा है और सिर्फ खिड़किया ही नहीं बल्कि खिड़किया घाट से भैंसासुर घाट तक का पूरा एरिया अपने आप में खास तौर पर विकसित किया जाएगा। उसमें जब भी पर्यटक आएंगे तो उन्हें एक कहें तो विशेष सुविधा, विशेष व्यवस्था यहाँ पर दी जाएगी। जो भी पर्यटक आएंगे, अगर आप घाट पर आते हैं तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे हों और इसके साथ ही घाट का अलग लुक हो। अगर बात करें तो जिस तरह से पहले 80 घाट से जो यात्रा की शुरुआत होती थी गंगा के लिए, गंगा के जो नजारे को लेने के लिए दशाश्वमेध और 80 घाट से जिस यात्रा की शुरुआत होती थी कि घाटों का आप दृश्य ले सकेंगे, अब उसके बाद अब खिड़किया घाट से उस यात्रा की शुरुआत होगी और आने वाले दिनों में पर्यटन को एक नया आयाम प्रदान करेगा। इसके लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाकई बदल रही है और खिड़किया घाट उसी कड़ी में उसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। बिल्कुल, इसका मॉडल भी सामने आ चुका है और बहुत जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मनगरी अयोध्या को उसके त्रेता युग वैभव के अनुरूप संवारने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को ऐसे नगर के रूप में विकसित करेगी जहां धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की परंपरा का निर्वाह भी होगा और आधुनिक नगर की सभी वैश्विक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीएम योगी ने आज लोकभवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान सीएम ने कहा कि अयोध्या विकास का मानक बनेगी। सीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को देश सोलर सिटी के रूप में पूरे विश्व में पहचान दिलाई जाएगी। तो अयोध्या के विकास को नया आयाम मिलने जा रहा है, त्रेता युग की तरह चमकेगी रामनगरी। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी वैश्विक सुविधाएं भी यहां पर मौजूद होंगी। पूरे विश्व में सोलर सिटी के नाम से जानी जाएगी अयोध्या, मतलब प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके एक तरह से वैदिक सिटी के रूप में आने वाली अयोध्या का नया कलेवर सामने आएगा। राजीव, बिल्कुल। तो जिस तरह से वाराणसी में हमने देखा कि घाटों को सजाया सवा जा रहा है, अयोध्या में क्या क्या काम हो रहा है इस पर तो पूरे विश्व भर की निगाहें हैं और क्या क्या विकास के कार्य वहां पर चल रहे हैं, लगातार एबीपी गंगा आपको बताता रहा है और एक बार फिर से कुछ और काम हो जा रहा है। अयोध्या में संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा करवाए जा रहे विकास को लेकर स्वागत किया है। अयोध्या के साधु संतों ने खुशी व्यक्त की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। अयोध्या में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो हाईवेज बनाए जा रहे हों, सड़कें बनाई जा रही हों, या सौंदर्यीकरण के कार्य हों, पार्क डिजाइन किए जा रहे हों, वहां पर अब कई व्यवसायियों ने जमीन भी ले ली है, तो सारे जो विकास के कार्य चल रहे हैं इसके साथ साथ वैदिक सिटी उसको बनाया जाएगा। भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां वहां पर होंगी, अलग अलग तरीकों से वो बयां की जाएंगी। तो इस तरह की धार्मिक नगरी बनाने का जो सपना है उसको चरितार्थ, उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का जो सोच है अयोध्या के विकास के लिए, वो वस्तुतः है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अयोध्या का विकास पूरे देश का विकास है, क्योंकि भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं सारे विश्व के हैं। ऐसी स्थिति में जो उनकी दृष्टि अयोध्या के विकास के लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने प्रोजेक्ट उन्होंने घोषित किया है वह यदि कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं, धरातल पर आ जाते हैं, तो निश्चित है अयोध्या वह त्रेता युग की अयोध्या का स्वरूप ग्रहण करेगा।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से जो उम्मीद थी वो उस पर वो खरे उतर रहे हैं। और जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, अयोध्या को हमेशा लोगों ने नजरअंदाज किया था, उपेक्षित रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार खासतौर पर से जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, तब से लगातार अयोध्या का जो खोया हुआ स्वरूप था वो पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। हमारे यहाँ अयोध्या शहर की जो योजनाएं आई हैं ये सराहनीय है, और बहुत सी सरकारें आई, लेकिन जो काम 3 साल में माननीय योगी जी ने किया है कभी किसी सरकार ने नहीं किया। रामपैड़ी बनाई गई और पार्किंग भी जो है बनाई गई, बहुत सी जो है जो बहुत ज़रूरी थी पार्किंग, घाटों के लोग जो है आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती रही, तो वहाँ का भी सुंदरीकरण हुआ। अयोध्या में चारों तरफ सराहना जो है हो रही है माननीय योगी जी की। उधर लखनऊ समेत प्रदेश के 10 शहरों में होगी